तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है फ्रेश टैग पे। तो गाइस, ये होने वाली है हमारी चैनल की पहली वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लगा लाइक कर देना और अपना सपोर्ट दिखाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो गाइस, आज की वीडियो में बताने वाले हैं इंस्टाग्राम की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखना। तो गाइस, बिना आपका फर्स्ट वीडियो है तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, हम यहाँ पे आ चुके हैं हमारी ये स्क्रीन पे। तो गाइस, पहली ट्रिक आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे व्यू कैसे बढ़ा सकते हो। आप देख सकते हो ये यहाँ पे अभी मेरे पास 7 व्यू है ओनली। अभी 7 को मैं बढ़ा के दिखाऊंगा गाइस। तो सिंपली आपको उसके लिए चल जाना है, अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते से ही आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में जाना है और सर्च बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको लिख टाइप करना है igtool.net/story लिख देंगे जैसे ही आप, तो आपके सामने कुछ हो रहा है थोड़ा लोड गाइस। ये क्या आ गया, igtool.net हो क्यों नहीं रहा है भाई। हाँ तो गाइस, ये है हमारी वेबसाइट igtool.net। इस पर सिंपली आपको एक टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल आ जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे हिंदी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको तुर्की समझ में नहीं आती है तो ये यहाँ पे आप इस आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद ये अभी कुछ पूछेगा, कुछ नहीं पूछा इसने डायरेक्ट। तो यहाँ पे अब आपको अपना सिंपली यूज़र नेम लिख लेना है। तो यहाँ पे गाइस आपको अपना यूज़र नेम लिखना है। मैं अपने सिंपली अपना यूज़र नेम लिख लेता हूँ, अक्षत भाई 07। उसके पहले बाद आपको यहाँ से संदेश पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते से ही ये थोड़ा दोनों दिखा देगा स्टोरी। यहाँ पे आप स्टोरी चूज़ कर सकते हो, ये मैंने स्टोरी चूज़ कर ली। यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है 10, मैक्सिमम 10 एक बार में चल जाते हैं यहाँ से, और ओके कर देना है। ओके करते से ही ये थोड़ा लोड लेगा और राइट कर दिया आपके अकाउंट में। यहाँ पे आप गाइस आके देख सकते हैं। इसे थोड़ा रिफ्रेश करते हैं अपन, इस फेज को थोड़ा रिफ्रेश करते हैं तो बताएगा और क्या होते हैं। तो गाइस ये देख लीजिए 95 एक झटके में आ चुके हैं। 100 भी बस हो ही जाएंगे, 5 कम है, तो एक बार और रिलोड कर लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं वो थोड़े 5 कुछ देर में आ जाएंगे, पर हमारे 95 बिल्कुल एक झटके में बढ़ चुके हैं। वो थोड़े अभी और 5-10 मिनट में आ जाएंगे वो भी। अब हम बढ़ते हैं हमारी सेकंड ट्रिक की तरफ। तो गाइस, सेकंड ट्रिक हमारे होने वाली है कि अगर आप किसी को भी मैसेज करते हैं और वो मैसेज आपको पढ़ना है, उसे दिखे भी नहीं कि आपने वो मैसेज पढ़ लिया, मतलब सीन नहीं हो वो मैसेज, और आप उस मैसेज को पढ़ भी लो, तो ये कैसे करना है इसके लिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्टली मैं अपने सेकंड अकाउंट पे चल जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद, इधर जाने के बाद मैं अपने आपको मैसेज कर लेता हूँ। क्या है मेरा अकाउंट भाई, ये आ गया गाइस मेरा अकाउंट। मैंने यहाँ पर लिख लिया हाय और सेंड कर दिया, एक और बार लिख लिया क्योंकि वहाँ देखना, अभी मैंने लिख लिया, ऊपर आ चुका है मेरे पास नोटिफिकेशन वापस से। अब वापस से मैं जाता हूँ मेरे अपने मेन वाले अकाउंट पे और
यहाँ पे जाता हूँ, इसे एक बार रीलोड करता हूँ। तो रीलोड करते से गाइज ये बता रहा है कि 2 न्यू मैसेज आए हैं, पर क्या 2 नए मैसेज आए हैं ये नहीं बता रहा है। तो अगर मैं इसे खोल लूँगा तो ये वहाँ पे उधर सीन बता देगा कि उसने मैसेज देख लिए हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। तो सिंपली उसके लिए गाइज आपको अपना नेट को जो है ना बंद कर देना है। नेट बंद करने के बाद गाइज आपको इस मैसेज को खोलना है। खोलने के बाद आप ये यहाँ पर पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आपको सिंपली बैक आ जाना है। बैक आना है, फिर इधर आपने आईडी में जाना है, आईडी को यहाँ से खोलना है। यहाँ से जाने के बाद इसे सिंपली लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद गाइस पूरे सिंपली आपको पूरा इंस्टा बंद कर देना है अपना, और उसके बाद वापस से अपना इंस्टाग्राम खोलना है और अपने अकाउंट को लॉग। तो गाइस ये देख लिया मैंने अपना अकाउंट वापस लॉग इन कर लिया, और अभी भी यहाँ वो दिखा रहा है कि 2 अनसीन मैसेज आ चुके हैं। तो मतलब गाइस ये देख लीजिए, मैंने वो मैसेज देख लिया था। अगर आपको शक हो रहा तो मैं अपनी वापस से आईडी पे जाके दिखा सकता हूँ कि वो मैसेज वहाँ पे सीन नहीं बता रहा है और मैंने सिर्फ उतने ही मैसेज भेजे हैं। तो यहाँ पे आईडी पे आ चुका हूँ मैं, और गाइस ये देख सकते हैं यहाँ हाय लिखा हुआ है और सीन नहीं आ रहा है, और क्योंकि वहाँ पर वो ऐसी ट्रिक थी। तो गाइस अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, हमारे थर्ड ट्रिक की तरफ। तो चलो, तो जो गाइज हमें 30 होने वाली है वो भी इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर होने वाली है। तो उसमें क्या करना है गाइज, आपको अगर आप किसी की भी स्टोरी देखनी है और उस बंदे का व्यू भी नहीं जाए, मतलब उस बंदे को ये ना पता चले कि आपने वो स्टोरी देख ली और आप स्टोरी देख भी लो, तो ये कैसे करना है ये आपको दिखा देता हूँ। मेरे इस वाले अकाउंट पर स्टोरी डल रही है तो अपने दूसरे अकाउंट पर मैं चल जाता हूँ, और सिंपली यहाँ से जब एक बार अपन जब इंस्टा चालू कर लेते हैं, जो जब सारी और डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाती है स्टोरी, तो सिंपली गाइज आपको फिर क्या करना है, यहाँ फिर से नेट अपना बंद कर देना है। नेट बंद करने के बाद सिंपली आप यहाँ से स्टोरी देख सकते हो। ये यहाँ से मैंने देखो गाइज ये दोनों स्टोरी देख ली यहाँ से। ये स्टोरी हमने देख ली पूरी। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको बंद कर देना है वापस से पूरा। बंद करने के बाद अपना नेट को वापस से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद अपने इंस्टाग्राम को खोलना है। खोलने के बाद आपको अब मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। हम जाते हैं अपनी असली आईडी में, और यहाँ पे जाने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी स्टोरी पे जाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने दिखाई थी उस मैंने जो अकाउंट से देखी थी उसका यूज़र नेम था Akshat0.6, वो यहाँ पर नहीं आ रही है। देख लीजिए गाइस, मैं आपको पूरा नीचे करके दिखा देता हूँ कि वो अकाउंट यहाँ पे नहीं आ रहा है, ऐड नहीं हुआ वो व्यू में। ये देख लीजिए, कहीं पे भी नहीं दिखेगा वो आपका अकाउंट। ये तो गाइस हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ ट्रिक की तरफ। तो चलो चलते हैं। तो गाइस हमारी थर्ड ट्रिक है ये, मतलब गाइस बहुत सारे लोगों को तो पता होगी, पर जिनको नहीं पता है उनको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पे आते हो, क्या कि आपको यहाँ पे इस ब्राउज इफेक्ट्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको जितने भी इंस्टा में वो दिखेंगे फ़िल्टर, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे से आप फिल्टर लगा के स्टोरी अपनी बना सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ ट्रिक की तरफ। तो गाइज आपने फिफ्थ जो ट्रिक है उसमें गाइज आपने बहुत सारे लोगों के बायो तो देख रखे होंगे, उनके बायो में बहुत अजीब अजीब से और अलग अलग फ़ॉन्ट से लिखा रहता है। तो अगर आप वो लिखना चाहते हैं तो अभी ये ट्रिक आपके लिए है। सिंपली आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र पे चल जाना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है IGFOONT font.iq। जैसे आप इसको लिख के सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ थोड़ा रिलोड, क्या हुआ गाइज, ये गाइज IGFOONT.iq लिखने के बाद आपको सामने जो फर्स्ट वेबसाइट आया उसे आप सिंपली टच करके ओपन कर लीजिए। तो गाइज ऊपर यहाँ आपको एक चेक बॉक्स नज़र आएगा जैसे कि ये दिख रहा है, ये यहाँ पे ऊपर। तो यहाँ पे आप सिंपली कुछ भी लिख सकते हो जो आपको अपने उसमें लिखना है, जैसे कि मैं लिखता हूँ यूट्यूब। यूट्यूब गाइज मैंने लिखा, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं हम नीचे
बहुत अलग अलग तरीके में यूट्यूब लिखा के आ चुका है। यहाँ से आप इसे सिंपली कॉपी कर सकते हो और अपने उसमें डाल अपने बायो में डाल सकते हो। तो गाइज बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज ये पहली वीडियो थी तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और गाइज आज शाम को इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स वाली वीडियो भी आ जाएगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन दबा लेना ताकि जब वो वीडियो आए जब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।